नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दोस्तों आप सभी लोग बड़े होंगे। आज के टाइम में दोस्तों कंप्यूटर का यूज कौन नहीं करता है। अपने डेटा को स्टोरेज करने के लिए दोस्तों हमें एक हार्ड ड्राइव की जरूरत होती है और दोस्तों उस हार्ड ड्राइव में दोस्तों हम लोग अपना डेटा जो है वो सेव करते हैं। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हार्ड ड्राइव में जो अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको हार्ड ड्राइव को दोस्तों इंटरनल कंपोनेंट के बारे में दोस्तों आपको पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही दोस्तों बताने वाला हूँ कि कौन सा इक्विपमेंट क्या वर्क करता है, ये सारी चीजें दोस्तों वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी इंटरनल हार्ड ड्राइव है उसका जो दोस्तों यहाँ पर केस है वो अभी बिल्कुल ब्लैंक है और यहाँ पर टेबल पे दोस्तों यहाँ पर जो पार्ट रखे हुए हैं ये सारे पार्ट दोस्तों इसी हार्ड ड्राइव के हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके हम अपने पार्ट को दोस्तों यहाँ पर फिट करने वाले हैं और साथ ही दोस्तों आपको पार्ट का जो वर्क है और उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट का क्या नाम है और वो क्या काम करता है, ये सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हमें जो है एक पावर स्लॉट देखने को मिल जाता है जो कि हमारे SMPS से यहाँ पर अटैच किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक SATA पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि हमारा जो डेटा होता है कंप्यूटर में वो दोस्तों ट्रांसफर करता है और स्टोरेज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग SATA केबल जो है वो यूज करते हैं। इस छोटी सी दोस्तों चिप को हम लोग यहाँ पर हार्ड ड्राइव का मदरबोर्ड भी कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने डेस्कटॉप में लगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने मदरबोर्ड को यहाँ पर इस फ्रेम में दोस्तों जो है फिट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेम को बैक साइड पर रख दिया और जल्दी से दोस्तों हम इसको स्क्रू की मदद से दोस्तों सबसे पहले हम इसे होल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है यहाँ पर हमने इसको होल्ड कर लिया है। तो पहले हम अपने पार्ट को उठाने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर काफी लोग जो हैं वो इसको दोस्तों ड्राइव कहते हैं, CD कहते हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में दोस्तों हम इसे प्लेटर कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लेटर है जो की दोस्तों यहाँ पर ये स्पैंडल जो लगा हुआ है, स्पैंडल बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये राउंड करता है, प्लेटर है, इसको दोस्तों यहाँ पर फिट करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों हमें यहाँ पर प्लेटर हमारा जो है वो सही से सेट हो गया है। अब दोस्तों बारी आती है इसको होल्ड करने की। तो चलिए दोस्तों हम इसको अच्छी तरीके से होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने के लिए दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक ये बेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जब हम इस अपने प्लेटर के ऊपर इस बेस को लगाएंगे उसके बाद ही दोस्तों हम इसे स्क्रू की मदद से दोस्तों होल्ड कर पाएंगे। तो के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं ये दोस्तों इसको हम बोलते हैं एक्चुएटर। यहाँ पर दोस्तों ये एक्चुएटर है। बेसिकली दोस्तों मेन काम जो हमारे हार्ड ड्राइव में होता है वो इसी का होता है। जब हमारे ये प्लेटर पे जो स्लाइड करता है, जब हम अपने सिस्टम को रन कराते हैं या फिर दोस्तों कोई भी काम करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे प्लॉटर पर स्लाइड होता है और इसी की मदद से दोस्तों हमारा जो डेटा है वो अच्छी तरीके से स्टोर होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों ये छोटा सा इक्विपमेंट जो है वो लॉजिक IC बोर्ड है जिसकी मदद से दोस्तों यहाँ पर हमारे जो एक्चुएटर है उसको पावर मिलती है और वो हमारे प्लेटर पे जो है वो स्लाइड करता है। यहाँ पर दोस्तों जब हम अपने IC लॉजिक बोर्ड को यहाँ पर जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया हमारा जो मदरबोर्ड है वहाँ पर दोस्तों ये IC लॉजिक बोर्ड जो है उसकी जो पिन है यहाँ पर दोस्तों अटैच हो जाती है जिसकी मदद से दोस्तों हमें यहाँ पर पावर मिलती है और पावर की मदद से दोस्तों हमारा जो एक्चुएटर है वो प्रॉपरली वर्क करता है। फॉर्म टाइप में दोस्तों ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इसे हम एयर फिल्टर फ्लो बोलते हैं यहाँ पर, जो कि दोस्तों हार्ड ड्राइव के यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर जो है इसको रखा जाता है ताकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्लेटर है जब घूमता है तो उसको वो क्लीन अप करके चलता है। जब हम इसको यहाँ पर सेट करते हैं तो दोस्तों इसका बेसिकली काम जो है प्लेटर को दोस्तों साफ करना होता है ताकि हमारा प्लेटर जो है उस पर स्क्रैच ना आ पाए और बाकी की अगर कहीं से डस्ट भी आती है तो इसको भी ये कंज्यूम करता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हार्ड ड्राइव का ये ऊपर का केस है, साइड में देख पा रहे हैं यहाँ पर रबड़ की ग्रिपिंग की गई है ताकि हमारे यहाँ पर कोई भी डस्ट जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर ना जा पाए और हार्ड ड्राइव हमारी प्रॉपरली जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। तो यहाँ पर इसको हमें होल्ड करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमें अपडेट अप...
दोस्तों फाइनली हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो कंप्लीट हो चुकी है। और तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।